ड्रैगन पूरे के पूरे गलवान घाटी को निकलने की फिराक में है, लेकिन इस बार भारत के शूरवीरों ने पहले तो उसे विवाद वाली जगह पर मजा चखाया और अब राजनयिक तौर पर भी उसकी घेराबंदी शुरू कर दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि गलवान घाटी पर चीन की बुरी नजर है और भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन की सेना के कड़े विरोध के बावजूद भारत ने पूर्वी लद्दाख में गलवान नदी पर एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पुल का निर्माण कर लिया। सरकार के सूत्रों ने जानकारी दी कि इस पुल का निर्माण भी क्षेत्र में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के आक्रामक रुख के कारणों में से एक है। जिसकी वजह से दोनों पक्षों के बीच 6 सप्ताह से गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में 60 मीटर लंबा ये पुल श्योक और गलवान नदियों के संगम से पूर्व में करीब 4 किलोमीटर दूर मौजूद है और संकरे पर्वतीय क्षेत्र को श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग से जोड़ता है। ये पुल क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की जल्द आवाजाही में काफी मददगार होगा। इस पुल के बारे में बताया जा रहा है कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प वाली जगह से ये पुल बहुत दूर नहीं है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने बताया कि यह पुल निश्चित रूप से क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की आवाजाही को सुगम करेगा। हमने सैनिकों के बीच गतिरोध और चीन की सेना के कड़े विरोध के बावजूद पुल का निर्माण पूरा कर लिया। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस सैन्य टकराव के कारण दोनों देशों के बीच क्षेत्र में सीमा पर पहले से ही तनावपूर्ण हालात और खराब हो गए। चीन के शैतानी इरादों की झलक उसके विस्तारवाद की जहरीली सोच में नजर आती है। और खुले आसमान के नीचे इस सच को सारी दुनिया देख रही है, फिर वो चाहे भारत हो, तिब्बत हो, हांगकांग या ताइवान, हर जगह चीन के काले चेहरे साफ सबको दिख रहे हैं। फिलहाल चीन से मिलने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। चीन की फितरत ही धोखेबाजी की है और वो अक्सर बातचीत की आड़ में सीमा पर सेना की तैनाती, सैन्य अभ्यास और निर्माण कार्य करता रहता है। इसलिए चीनी सेना की हर हरकत पर भारतीय सेना ने कड़ी नजर बना रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।